माइक्रो ऑब्जर्वरों की एक बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए एडीएम भू राजस्व बलराम सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशिक्षण में आए ऑब्जर्वरों को प्रशिक्षित करते हुए आगामी लोकसभा उपचुनाव की शुचिता को बरकरार रखने के लिए तकनीकी जानकारियां दी। इस मौके पर सीडीओ अनु सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जिस मतदाता सूची के जिस बटन में सहायक निर्वाचन सहायक वरिष्ठीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर हो कटिंग पर और वहां पर वो जो है चिन्हांकित प्रति गई जाती है और प्रथम मतदान अधिकारी उसी चिन्हांकित प्रति के आधार पर मतदान कराएगा। इससे रामायण गीता है उसी के आधार पर पड़ेगा। किसी के पास किसी के मतदाता सूची में किसी का नाम हो या ना हो मानी जाएगी चिन्हांकित प्रति राइट। अब आगे चले चिन्हित प्रति में एक चीज और किया जाएगा कि जैसे आप माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात हैं तो आप अपने आप को कहां डालेंगे उसके लिए आपको ड्यूटी स्लिप निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र वो जारी किया जाएगा। आपका जो दूसरा नियुक्ति पत्र जाएगा उसके साथ प्रारूप 12 ए दिया जाएगा। प्रारूप 12 ए भर करके एक अपना जो मतदाता पहचान पत्र है और जो नियुक्ति पत्र आपको दिया गया है उसकी फोटो कॉपी संलग्न करके पूरा भर करके यहाँ पर लेकर के आएंगे। हर विधानसभा के 11 सवाल उपस्थित रहेंगे। आपको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसे लेकर के आप उसी पोलिंग बूथ पे जहाँ पर आपकी तैनाती की गई है वहीं पे आप वोट दे सकते हैं और ऐसा हर हमारा जो निर्वाचित मतदान अधिकारी है वो भी इस चीज को करेगा कि उसके पास भी वो प्रमाण पत्र होगा जिसके आधार पर वो वही वोट डाल देगा और जितने भी ऐसे केसेस हैं उसी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अंत में मान लिया कि कुल 840 वोटर उसमें रजिस्टर्ड हैं तो 843, 843, 844 ये दोनों में उसके जो कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया गया है उसके आधार पर वोट डाला है उसका विवरण उसमें निकासी अधिकारी दर्ज करेंगे और साथ ही साथ जो चिन्हित प्रति है उसमें ASD और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनका भी विवरण दर्ज रहेगा। जैसे कोई तुम्हारी विधवा है 21 साल की उम्र में यहाँ पर उनका जिस गांव की है वहां पर उनका वोटर आई कार्ड बना दिया है ब्याह हो गया दूसरे जगह चले गए तो उसी विधानसभा जिस विधानसभा से विधानसभा या इस भाग संख्या से उस भाग भाग संख्या में चले गए या डुप्लीकेट यानी उनका उसी मतदाता सूची में दो कार्डों का नाम मिल ठीक है तो ये अलग से भी उसकी सूची दी जाएगी। इससे आपका कोई बहुत मतलब नहीं है मतलब यह है कि जो आपके कहने का मतलब था जो चिन्हित प्रति है उस चिन्हित प्रति में वो सारी चीजें दर्ज रहती है अतिरिक्त प्रतियां जो है मतदाता सूची की उससे भिन्न होती है। वो जहाँ भी कटा कटा है वहां पे जो निर्वाचन निश्चित अधिकारी है उसके अंदर हस्ताक्षर के साथ मुहर भी लगी जाती है चिन्हित प्रति। एक बार आप लोगों ने एसडी के बारे में पूछा तो मैं इंदिरा भवन है वहां रहते नहीं रहते हैं उनको भी चिन्हांकन करते हैं कि जिसका घर है जमीन है सब कुछ है लेकिन वो हिंदू रहते हैं कभी कभी आते हैं। दूसरा है जिसका कोई लीकेज नहीं है पहला तो जैसे उसका कोई ना कोई है उसका फादर है मदर है या दादा दादी है कोई
आपके जो है सिप्टेट होता है, जो सब कुछ छोड़ कर के वहां से जा चुका है, वो खास करके अपने नगरी क्षेत्रों में जाएंगे, तो बूथों में जो सूची जाएगी उस सिप्टेट में तो कोई नहीं आता होते हैं, जो सब छोड़ जा चुके रहते हैं, जो अब्सेंटी वाली जो दो कैटेगरी है, विद फैमिली लेंगे एक विदाउट फैमिली लेंगे, इसमें का जो एंट्री करता है वो लोग आकर वोट देते हैं, और जो ऑब्जर्वर होते हैं उनको भी हम लोग सूची अंतर्गत करते हैं, और उनकी भी जो है प्राथमिकता ये रहती है कि बूथों पे जाते जो है ई एस टी के नामों का उल्लेख है संख्या जिसमें जाते हैं उन्हीं बूथों को उसी भ्रमण करने के लिए प्राथमिकता देते हैं। तो यदि आपका जो मतदान स्थल में यदि सभी में नहीं रहता है यदि आपके मतदान स्थल में इस टाइप का कोई सूची है यदि विद्यमानता है तो उसमें जो थोड़ा वाच करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे वो आएगा उसको मताधिकार के प्रयोग का कंपनी होने से नहीं रोक सकते हैं, मताधिकार तो करेगा एक मतदाता सूची में उसका नाम है तो वो केवल अपनी